कॉन्फ्रेंस हरियाणा कौशल रोजगार निगम हरियाणा सरकार का एक एम्प्लॉयमेंट देने का एक पोर्टल है अलग से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसके तहत ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके तहत क्या है कि सरकार ने अभी 10 अगस्त को एक वैकेंसी निकाली थी नर्सरी टीचर एंड ECCE काउंसलर की। इसके अंदर इन्होंने कहा कि भाई 31 अगस्त लास्ट डेट है इसके नॉमिनेशन की, और जो बच्चा जो कैंडिडेट मस्ट हैव ए क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट प्राइमरी एजुकेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जिसके पास डिप्लोमा है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, कोई भी एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वाला बच्चा। लेकिन फिर इसके अंदर इस वैकेंसी के अंदर इन्होंने 11 जिलों के अंदर ये वैकेंसी निकाली और किसी प्राइवेट कंपनी को हायर किया कि ये प्राइवेट कंपनी निजी तरीके से इस भर्ती को पूरा करेगी। इसमें ये कहीं नहीं बताया गया कि कहाँ तो ये लोग लगेंगे, 11 जिले मेंशन है लेकिन 11 जिलों में ECCE आंगनवाड़ियों में लगाएंगे या कहीं स्कूलों में लगाएंगे या किन्हीं गाँव में लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से हरियाणा सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इसके अंदर एक क्लियरिफाई करें कि भाई किन जिलों में और किन स्थानों पर ये भर्तियाँ नियुक्त तो होंगी। साथ ही इसमें क्या हुआ कि जैसे ये गाइडलाइन आई इसके तुरंत 2-3 दिन बाद, ये 10 तारीख को ये भर्ती आई, इसके तुरंत 2-3 दिन के बाद ही लगभग 14 अगस्त को इस भर्ती में फिर एक अमेंडमेंट आया। सेम भर्ती है, सेम प्रक्रिया है। इसके अंदर क्या हुआ कि जो डेट 31 अगस्त थी ये आप देख पा रहे होंगे वो घटा करके 26-28 कर दी गई, और साथ ही एजेंसी का नाम भी बदल दिया गया। पहले कोई दूसरी एजेंसी थी, अब कोई दूसरी एजेंसी इसको पूरा करेगी। क्या कारण रहे वो तो सरकार जाने या हरियाणा कौशल रोजगार निगम जाने। इसके अंदर इन्होंने 11 जिलों से बढ़ा करके 12 जिले कर दिए गए कि टोटल 11 के बजाय अभी भर्ती 12 में। सबसे इसमें एक अहम मुद्दा ये है कि इस भर्ती प्रक्रिया को जो एजेंसी पूरा करने जा रही है वो 2-3 दिन के अंदर इसकी जो कंडीशंस हैं कि कौन बच्चा यहाँ अप्लाई करे उनको भी चेंज करते जा रहे हैं। शुरू में कुछ था, फिर गाइडलाइन में इन्होंने एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट डाला, अभी बाद में इन्होंने क्या किया इस गाइडलाइन के अंदर ये ऐड कर दिया, ये जो लास्ट अमेंडमेंट है वो ये अमेंडमेंट है लास्ट वर्ड, इसके अंदर इन्होंने ये कह दिया कि जो कैंडिडेट 31 दिसंबर 2023 तक भी डिप्लोमा अगर क्लियर कर लेता है वो बच्चा भी इसमें अप्लाई कर सकता है। मतलब फिलहाल इनको ऐसी कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बस बच्चा अप्लाई कर दे और उसको ये किस बेस पे नौकरी देंगे वो तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बताए। और इन्होंने 2-3 अथॉरिटियों का जिक्र किया, एक तो इग्नू का किया, एक NIOS का किया, एक IED UP करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जितना हमने इसको सर्च किया तो हमारे अनुसार ये IED UP उत्तर प्रदेश सरकार का एक इंटर्नशिप देने का एक उपक्रम है। तो हमारे समझ में नहीं आया कि ECCE की ये जो सर्टिफिकेट है ये IED UP कैसे जारी करेगा। दूसरी चीज़ इसमें इन्होंने एक JMI का नाम और दिया है, अब ये भी एज ए स्टूडेंट अगर कोई इसको देखे तो उसकी समझ में नहीं आएगा कि JMI है क्या। तो एक तो HKRN इस चीज़ को क्लियर करे और हरियाणा सरकार इस पूरे मामले में जो भी हमें नज़र आया, क्योंकि जो स्टूडेंट इसको भरेगा, जो कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करेगा वो 250 से 300 रुपये अपनी फीस भी कटवा रहा है, तो कई लाखों रुपए इनके अकाउंट में भी जा रहे हैं। साथ ही कैंडिडेट का डाटा फैमिली ID से भी फैच हो रहा है और कहीं ना कहीं वो डाटा भी निजी कंपनियों के हाथ में डायरेक्टली जा रहा है। तो हमें हमारे अनुसार ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत भारी एक भ्रष्टाचार की संभावना नज़र आ रही है जो हुआ है, क्योंकि भर्तियाँ तो पूरी हो ही नहीं रही हैं, आज आ रही हैं कल पोर्टल से हट रही हैं, कभी अमेंडमेंट हो रहे हैं कभी कुछ आ रही है, कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो हरियाणा सरकार से मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि इन HKRN का जो पोर्टल है इस पर एक जांच कमेटी बनाते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच करें कि इन एजेंसियों ने किस तरह डाटा अपडेट किया है, क्योंकि इनका अपना एक HKRN एंटरप्राइजेज के नाम से एक ऑप्शन है कि कोई भी निजी कंपनी वहाँ पे अपने डिमांड भेज सकती है कि हमें इतने रिक्रूटमेंट चाहिए। और इसका जो HKRN का ऐसा भी नहीं है, HKRN का जो पूरा जो डेकोरम है इसमें लगभग हमारे 8 डायरेक्टर हैं, खुद चीफ सेक्रेटरी साहब इसके चेयरमैन हैं, श्री संजीव कौशल जी IAS जो हैं चेयरमैन हैं, अनुराग रस्तोगी जी IAS डायरेक्टर हैं, इसी तरह अनिल मलिक जी IAS डायरेक्टर हैं, विकास गुप्ता जी IAS डायरेक्टर हैं इसमें, आदित्य दहिया जी IAS डायरेक्टर हैं, सुशील सारवान IAS डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर धीरज पी शर्मा डायरेक्टर हैं, और एक और हैं श्री
कैटमल जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये पूरी बॉडी इसको मॉनिटरिंग कर रही है। इसके बावजूद भी इसमें इस तरह की खामियां नज़र आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबके घेरे में लाते हैं कि इन भर्तियों के जरिए से युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है रोजगार को लेकर। देखिए बैकडोर एंट्री इसमें तब माने जब ये भर्तियाँ पूरी हों, क्योंकि इन भर्तियों में क्या हो रहा है कि लोगों का रुपया लिया जा रहा है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है किस तरह की। जैसे अभी ECC काउंसलर है तो सीधी बात है कि काउंसलिंग से रिलेटेड स्टडी तो हो गई, लेकिन ये तो कह रहे हैं प्लस टू पास हो या कोई भी ऐसा डिप्लोमा हो वो आ जाए हम लगाएंगे। तो बैकडोर एंट्री इसमें एक दूसरा और पार्ट है कि ना कोई टेस्ट है ना कोई इंटरव्यू है, सीधा ये मेरिट के बेस पे दे रहे हैं। तो कैसे दे रहे हैं वो तो अब HCRN बताए कि इसको कैसे इस प्रोसेस को ही पूरा करेंगे। तो सरकार की गलती मानते हैं जो जिस निजी कंपनी को ये कार्य दिया उसकी? देखिए अभी HCRN को तो सरकार ही डील कर रही है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो सरकार का एक ये रोजगार देने का एक उपक्रम है। तो अब सरकार इस चीज़ की जांच करें कि फॉल्ट कहाँ है, सरकार की नॉलेज में है कि नहीं है। मैं तो आप मीडिया के माध्यम से हरियाणा सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इसमें जो बदलाव हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, भाई इसको क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा। आप स्पष्ट देख सकते हैं इसमें इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है इसमें इन्होंने देखिए नोट ईवन लिखा हुआ है जहाँ पे टोटल पोस्ट है। अब बताइए टोटल पोस्ट है ये नहीं बता पा रहे भाई कितनी पोस्टें हैं, कंडीशंस हैं, कम से कम 1000 पोस्ट हैं, 100 पोस्ट है, इस चीज़ को क्लियर तो करें। जो भी कैंडिडेट हैं वो मिसगाइड हो रहे हैं कि भाई इसको हम कैसे भरें और इसमें बदलाव लाए जा रहे हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा पास आउट है, हरियाणा के किसी संस्थानों से बच्चा पास आउट है, तो फिर वो तो ये अप्लाई नहीं कर पाएगा।